अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमस किचन। आज जो रेसिपी लाई उसका नाम है स्मोकी शिमला मिर्च प्याज गोश्त। चले देखते हैं किन अज़ा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 किलो मटन है, 1 प्याज ली है जिसको मैंने इस तरह काट लिया है, इस तरह बड़े बड़े पीस काट लिए मैंने, और 1 से 2 मैंने शिमला मिर्च ली है इसको भी इस तरह मोटा मोटा मैंने काट लिया है, और ये मेरे पास 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 मेरे पास प्याज है मैंने इस तरह स्लाइस काट ली है, ये 1 बड़े साइज़ का टमाटर, ये गोल काट अब जैसा मैंने इसको इस तरह काट लिया है, ये 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह मैंने लंबी काट ली हैं, ये 4 टेबल स्पून घी है, ये 1 बड़े साइज़ का लीमू था जिसका ये रस है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है। चलें शुरू करते हैं आप खाना। ये एक मैंने बड़ा बोल लिया है, सबसे पहले मैं ये मटन को मैरिनेट करूंगी। ये मैंने इसमें गोश्त डाल दिया, अब इसमें डालूंगी ये कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये नींबू का रस, ये अदरक लहसुन पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें डाल दूंगी ये काला नमक। अब मसालों में अच्छी तरह इसको मैं गोश्त को मिक्स करूंगी और 2 घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट दूंगी। ये 2 घंटे हो गए हैं मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था, अब इसको हम कुक करेंगे। ये मैंने कढ़ाई ली है, चूल्हा मैंने जला दिया इसका। अब इसमें डालूंगी मैं 3 से 4 टेबल स्पून घी के। ये मटन है इसमें चर्बी होती है इसलिए मैंने इसमें घी बहुत कम डाला है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये प्याज जो स्लाइस की हुई थी। ये प्याज फ्राई हो रही है, इसको हम 2 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। ये 2 मिनट हो गया है मैंने इसको इसी तरह घी में फ्राई किया है। अब मैं इसमें मटन शामिल कर दूंगी, ये जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था उसको मैं डाल दूंगी इसमें। इसको करूंगी मैं अच्छी तरह मिक्स। अब मैं इसी तरह इसमें चम्मच चलाऊंगी ताकि गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इसमें मैं डाल दूंगी साथ ही टमाटर, ये 1 बड़े साइज का टमाटर था, अगर छोटे टमाटर हैं तो आप 2 डालें। ये 1 से 2 मिनट मैं इसी तरह इसमें फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 गिलास पानी। ये 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। ये इसको मैंने कवर कर दिया है तकरीबन 1/2 घंटे के लिए ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। ये इसी तरह इसको 1/2 घंटा हो गया है। पहले 15 मिनट पहले मैंने देखा था, मैंने चम्मच जिसमें चलाया, उसके बाद 5-5 मिनट बाद मैं इसको देखती रही हूँ। अब इसको 1/2 घंटा हो गया है, ये देखें मटन भी गल चुका है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक खुशक हो गया है। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था। अब हम इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे और जो पानी इसमें है वो भी इसका खुश्क हो जाए। पहले मैंने इसमें मैरिनेट करते वक्त 1/2 टीस्पून काला नमक डाला था, अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक डाल रही हूँ। और ये देखें पानी भी खुश्क हो गया है, ये ऑयल भी ऊपर आ रहा है इसका। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये प्याज और शिमला मिर्च। अब इसको मैं करूंगी मिक्स।
ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। ये देखें बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। चूल्हा मैं इसका करने लगी हूँ बंद। और अब इसमें मैं रखूँगी कोई भी आप छोटी सी प्याली ले लें या कुछ भी आपके पास है स्मोक करने के लिए। ये कोयला मैं इसमें रखूँगी और इसके ऊपर मैं डालूँगी। मैं 1 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। चूल्हा हमने बंद कर दिया इसका। ये 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें से ये कोयला निकाल लूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। ये डिश बिल्कुल रेडी है। स्मोकी स्मोकी शिमला मिर्च प्याज गोश्त। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की होती है ये डिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।